गाइस देखिए गाइस, जिस दिन मेरा वीडियो बनाया था ना, उसे कहा था कि तू अब संभल जाना, हजार दुश्मन तो पैदा होंगे थे। जी जी जी। तो मेरे पुराने कस्टमर मुझे के जाते हैं जिनके तरस गए हैं आपके हाथ का वड़ा पाव खाने के, पर वो के जाते हैं कि प्राउड फील होता है कि हमारी मैम है ये। मेरा मानना अगर है ना कि अगर बंदे ने मेहनत करी है तो एक एक रुपया भी होगा ना, आदमी को एक रुपए की भी कदर है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार सभी को फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चटोरा इंजीनियर पर। दोस्तों आज ही चटोरा आ गया है दिल्ली के मोस्ट फेमस वड़ा पाव, जिनको जाना जाता है वड़ा पाव गली के नाम से। और अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल और टाइटल देख के, बाकी एक बार झलक डालिए, एक बार भीड़ से रूबरू हो जाइए कि भीड़ कितनी है, कोई गिनती नहीं है। बाकी भीड़ देखकर तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं दीदी से कुछ बातें करते हैं, जानते हैं क्या राज है जो इतना फेमस हो गई है और कैसा लग रहा है फेमस होने के बाद। बाकी ऑनेस्टली भी तो हम पहुँचाएंगे, टेस्ट करके हर बार पहुँचाते हैं, टेस्ट भी करेंगे आप तक, रियल जायका पहुँचाएंगे। चलते हैं बिना किसी के लोग को स्टार्ट करते हैं। आइए, आपको देख के एक कोट का है या मुहावरा का है वो याद आता है, बोलो। फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो एंड स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर। सही है ना भाई? जी, गलत तो नहीं है। गलत नहीं है, आपको देख के बिल्कुल लगता है कि हाँ जो बंदा है इसको रिजेंबल करता है। मेरा मानना अगर है ना कि अगर बंदे ने मेहनत करी है तो एक एक रुपया भी होगा ना, आदमी को एक रुपए की भी कदर है। जी, और उसको अगर पुश्ते नहीं मिला है जी तो उसको वैल्यू नहीं होती। हाँ, और वो आदमी मतलब नेचर से ही दिख जाता है कि कौन बंदा कैसा है, कैसे उठा है और कैसा था। बस मैं वही चीज समझा रही हूँ ना कि ये मेरी ये उस दिन एक लेडीज ने कहा था, बोले पैसे दे के भीड़ लगाई है, ये मेहनत की भीड़ है, मेहनत की भीड़ है, पैसे दे के आदमी रोज थोड़ी भीड़ लगा देगा, दो दिन लगा देगा। कोई चुनाव की रैली थोड़ी निकल रही है, चुनाव की रैली थोड़ी है कि पैसा दे के वोट खरीद लिए। वही कह रही हूँ ना, चुनाव की रैली नहीं निकल रही, ये तो प्यार है और सपोर्ट है, और मेहनत है कि आदमी बंदा जो नीचे से उठता है। सारी चीज बस लोग अभी के दो चार दिन देख रहे हैं, जो पिछले की दो साल की मेहनत है उसका कुछ नहीं। मैं यही कहती हूँ मेरे यूट्यूबर्स भाई, मेरे ब्लॉगर्स भाई को कि लोगों को सिर्फ मेरी 3 घंटे की मेहनत दिखती है। आपको वास्तव में मेरा ब्लॉग बनाना है ना, जिसके पाजी ने बनाया था जी। आप घर, अब तो मैं किसी को घर भी नहीं बुलाती जी, जी। कि आप मेरी मॉर्निंग 5 बजे से होती है, मेरे मदर इन लॉ की 5 बजे पराठे जाते हैं, टिफिन सेंटर चलता है, रात की 1-2 बजे तक हमारी नाइट खत्म होती है, मतलब 4 घंटे का रेस्ट होता है, 3 या 4 घंटे का मैक्सिमम। बस लोगों को बस ये दिखता है, बस 2 घंटे का। लोग बोलते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन कैसे सोए आदमी, इतना काम, इतनी रिस्पांसिबिलिटी, पागल थोड़ी है जो इतना मेहनत कर रहे हैं। इतना पैसा होता तो इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं रखते। सीधी सी बात है भाई जी, पॉजिटिव सारी चीजें, आपको देखा है आपने क्या है क्या नहीं, आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो गाइस वड़ा पाव की मेकिंग स्टार्ट हो गई है, ये वड़ा पाव लग रहा है, और ये हमारी चंद्रिका दीदी है, इनके गले में आज थोड़ी सी दिक्कत है। इतनी भीड़ है, दीदी को होश भी नहीं आ रहा, मतलब इतनी, आप देख सकते हैं ये वड़ा पाव की मेकिंग स्टार्ट हो गई है, और ये मिर्च वगैरह ये फ्राई होके आ गई है। तो ये हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये आ गया बड़ा पाव और ये मसाला आ गया दीदी इतना बड़े पाव का, और ये आ गई इनकी महाराष्ट्र वाली चटनी जो कि पूरी दिल्ली को दीवाना कर रखा है। सुबह ये वड़ा पाव की मेकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बड़ा पाव, स्पीड देखिए, स्पीड ये हमारी दीदी, और स्पीड देखिए, मतलब स्पीड बिल्कुल गोली की चोट है, ये बुलेट ट्रेन की स्पीड है। कस्टमर भी इसी आपके हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, और नॉन स्टॉप ऑर्डर्स हैं, और मेल और फीमेल की लाइन अलग है। बड़ा पाव आपने बहुत खाया होगा, लेकिन अगर आपने दीदी के हाथ के बड़ा पाव खा लिया तो आप हर जीके का बड़ा पाव भूल ही जाओगे।
महाराष्ट्र वाले भी दिल्ली आके ये कहेंगे भाई भाई पाव खाया तो इनका ही खाया, जैसे हमारे बड़े भैया आए हुए हैं नासिक से। क्यों बोस सही का मेन इनकी चटनी का जादू है, इन्होंने बताया जैसे कि ये इंदौर से बिलोंग करती है और जो चटनी का कॉन्सेप्ट है वहीं से लेके आई है और उसी का ये पूरा प्यार है। और एक बारी में एक जने को चार से ज्यादा बड़ा पाव नहीं मिलेंगे। और यहाँ बड़ा पाव लेने के लिए कम से कम दो दो घंटे की लाइन लगानी पड़ती है। मेकिंग तो करो ना, कोई ना कोई दोस्तों आ गई है बड़ा पाव वाली दीदी। और रश देखिए एक बार रश। हाँ जी दीदी, आप कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। क्या हुआ? रूट कनाल की वजह से गाल में बहुत दर्द है। अच्छी यार, तो गाइस आप देख सकते हैं मतलब दीदी पे ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा, तो थोड़ा सपोर्ट करना। तो गाइस रश देखिए और दीदी को चोट भी लगी है। मेरे सरदार जी कैसे भैया? भाई सत श्री अकाल। हमने देखा दीदी बड़ा बड़ा बुरा सा लगा जो हमने वीडियो में देखा था कि परेशान कर रहे हैं। सब बढ़िया है। हाँ जी बढ़िया है। पुरानी चीजों को तो भूल ही जाओ। मैंने इनको वही सिखाया, मैंने कहा अपने काम से प्यार करना, नेगेटिव इसके साथ मत करना। तुम यहाँ से जितना बना के ले जा रहे हो ना वही डालना, कट पिट करके मत कर देना। नहीं 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 तुम कट लगा यही सबसे पहले वीडियो बना के गए थे मेरा। अच्छा सरदार जी, जितना बनाया था सारा डाला है। तो पब्लिसिटी मेरी होगी, बट अपने काम की इज्जत कर ले। जी जी बस वही बोल रही हूँ। टू मैन पावर। और आप देख सकते हैं मतलब दीदी का स्टॉल भी नहीं लगा और एक बार भीड़ पर नजर डाली आप, कितनी लंबी भीड़ है, लाइन लग गई लाइन। दो घंटे में नंबर आता है पर बंदा सेटिस्फाई होके जाता है, टेस्ट उसको मिलता है। हमने भी सुना, सब लोग कह रहे भाई मैं डेली पाव खा रहा हूँ। डेली आ रहे हैं, रिपीट कस्टमर है मेरी। जीत तो वही है कि बंदा रिपीट आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। जो मुझे नेगेटिव बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। इन लोगों से मेरी जीत होती है, जब वापिस आते हैं ना एक खुशी फील होती है। जी जी जी। क्या है? तो हमने तो सुना है गोश्त कहते भाई पाव तो हमने बहुत खाया, लेकिन एक चटनी का स्वाद है वो वाइज का मतलब कल जीप तक टेस्ट है। कल एक बंदा मुझसे कह रहा था जी ड्रग्स तो दो। मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, कैमरे चल रहे हैं यहाँ पे, मैं वैसे मुसीबत में। हाँ नहीं दिया, चटनी में ड्रग्स है, चटनी के दीवाने बने पड़े। मैंने कहा भाई तू पूरा वर्ड बोल, एक वर्ड मत बोल, मैंने उसको यही कहा। तो दीदी अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। आजी, ये पूरा क्रेडिट आपको जाएगा, मुझे नहीं जाता। ऊपर वाले महाराज को जाता है, राइट, इनकी मेहनत पे जाता है भाई। क्रेडिट सबकी मेहनत पे जाता है भाई। दीदी इतनी मेहनत से क्या बोलेंगे, वही सुनना है। मैं वही बोलना चाह रही हूँ, इन्होंने जिस दिन मेरा वीडियो बनाया था ना उसे कहा था कि तू अब संभल जाना, हजार दुश्मन तो पैदा होंगे थे, बोल के गए थे मुझसे, और आज भी मेरे साथ खड़े हैं। बोले देखेंगे, उनको भी देखेंगे। अच्छा मैंने ऐसा सब तो दीदी हमारे लोग, हमारी ऑडियंस का ये है कि आपके पाव में से क्या जादू, जो लोग बाकी इतने दीवाने हुए पड़े लाइन लगा लगा के आपके पाव ले रहे हैं। नॉर्मल वही बात, आप देख सकते हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? दीदी का जादू है ये ऐसा, ये दीदी के ये ऐसा चेक करो मैम, एकदम सॉफ्ट ये नासिक के बंदे हैं, नासिक के बंदे चेक करो सर, नासिक क्या होता है ना भाई, आपके बारे में ये नासिक के सारे सही रिव्यू देंगे। टाइम नहीं इतना, अब तो ये क्या जादू कर रहे हो पाव के साथ? पाव के साथ कोई जादू नहीं है, बस मेहनत है। और एक्चुअल जो वड़ा होता है, जो बॉम्बे का टेस्ट होता है, वो कोशिश कर रही हूँ देने की। और अपने कस्टमर को एक कहते हैं ना, एक टेस्ट अगर बंदे के पास होगा ना, तो मेरा मानना ये फिर वो पैसे नहीं देखता, पैसे नहीं देखता, बस वो कहते हैं क्वालिटी होनी चाहिए। एक बंदा ये होता है खा के कहता है पैसा वसूल, और एक कहता है यार। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है कि ये तो मुझे नासिक से आके पता चला, एक बंदा भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, हजारों से एक बंदे पे हो यार। नहीं नहीं सर, मैं आप 2 महीने हो गए सर ना भाई, 2 महीने हो गए अगर कुछ। हाँ 2 महीने नहीं नहीं, ये भीड़ को 2 महीने हो गए, अगर कुछ गलत खिला रही होती तो भीड़ कम हो जाती है, ये भीड़ बरकरार रहेगी।
लेकिन मैम बहुत से कह रहे हैं कि ये दो महीने से लगा रखे है इसलिए भीड़ आती है, लेकिन गाइस ये दो साल की मेहनत है, दो साल की मेहनत अब रंग ला दिया। सही कहा मैम। तो मेरे पुराने कस्टमर मुझे केके जाते हैं जिनके तरस गए आपके हाथ का वड़ा पाव खाने की। जी जी जी। पर वो केके जाते हैं कि प्राउड फील होता है कि हमारी मैम है ये, जिनसे हम वड़ा पाव खाते थे। और इतनी हंसी मजाक मेरी, पता है मेरी लाइफ में इतना हंसती थी मैं, इतना कस्टमर के साथ कॉमेडी वीडियो हमेशा कहते थी मजा आ गया। मेरे पुराने आप व्यूज नीचे देखोगे तो मैं कॉमेडी वीडियो बनाती थी अपने कार्ड के साथ अपने खाने के साथ। अब मेरी लाइफ में वो हंसी रही नहीं थी, छीन ली मुझसे। मैंने आपकी रील भी देखी थी कि आप और आपके हस्बैंड में कपल डांस भी करे थे। तो अभी मैं गेरा दीक्षित। अब दीदी का नाम नहीं पता, इतनी दूर से आए हो ना। यश का सरनेम गेरा है तो हस्बैंड का सरनेम भी, और मेरी मम्मा का सरनेम दीक्षित था। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर। इंदौर से। तो एमपी का कुछ इसमें है वड़ा पाव में? चटनी है। जो एमपी का बंदा होगा ना समझ जाएगा भाई कहाँ की दीवानी है। जो उनका टेस्ट है वो एमपी वाला टेस्ट है चटनी का। आप किस टहल का भाई, आपकी स्पोर्ट में है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टहल का भाई जो मेरे वो दो एक आज नहीं कल नहीं कल मेरा ऑफ है, परसों आएंगे। पहले बट उनके सारे फैमिली जो उनके ब्रदर्स हैं वो स्पेशली जब उन्होंने देखा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, उन्होंने पूरा सेटल पूरा चीज आज कहीं वो गए आज वो कहीं गए हैं बोल के गए। दीदी कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉल कर देना, आसपास ही रहेंगे क्योंकि शायद कल भाई आए हैं तो वो लंगर व्यवस्था चला रहे हैं तो वो वहाँ पे भी बिजी है। आपको पूरी दिल्ली का सपोर्ट मिल रहा है। तो दी आपको कैसी फील आ रही है कि तेल का भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कॉल करो यश। दीदी इंसान है जी, मैं ही कहती हूँ एक एक बंदा होता है कुछ प्रॉब्लम है तो बताना चाहिए पर नहीं बताना, पर एक बंदा होता है आगे खड़ा है भाई, दो दिन से कंटिन्यू आ रहा है जी, 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 ये चीज है। क्योंकि जब जो ब्लॉगर्स ने नेगेटिव बनाया ना उन भाई ने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव क्या है। जी 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 ये चीज है ये भैया जी। तो दोस्तों रश चेक करिए वड़ा पाव वाली दीदी के चुनरी का दुख से। आ जाओ बाहर इधर, यहां से आ जाओ और रश चेक करिए। हेलो आप भी इधर आ जाओ। लोगों की भीड़ है। तो दोस्तों भीड़ देखिए, बाकी दीदी से बात करके बहुत अच्छा लगा और ये वड़ा पाव रेडी हो गया। एक बार इसकी नजर डालिए, ये वड़ा है, चटनी मसाले और ये मिर्ची। और बाकी दीदी ने बताया इंदौर से बिलोंग करती है तो वहीं से जो इनकी चटनी और मसाले बनते आए हैं वहीं से आया है। और 50 रुपये का ये पाव है और भीड़ पर नज़र डालिए, बाकी टेस्ट क्या ही करना, टेस्ट अल्टीमेट ही होगा। पाव काफ़ी सॉफ्ट है और चटनी स्पाइसी है। बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो आप लोग जब भी आएंगे 1 घंटे का टाइम निकाल के आना और रश देख लो एक बार, पूरी भीड़ है, पूरी लाइन लगी हुई है और एक बार में किसी को 4 से ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलते, पूरी भीड़ है। और एक बार मेल को मिलेगा, एक बार फीमेल को मिलेगा। और रश चेक करिए, ये पूरा रश है। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, ऊंची दुकान और फीके पकवान, वही है। ये प्यार है, ये कोई खरीदी हुई जनता नहीं है जो इनका इतना नाम है। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना छोटे इंजीनियर। और बाकी वड़ा पाव खाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा, आना और इनका वड़ा पाव ट्राई कर लो।